हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे ये चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी पे हम अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसके क्या क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उसका डिस्कशन हम करेंगे, वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले गूगल में चैट जीपीटी टैप करेंगे। तो चैट जीपीटी टैप करेंगे, जीपीटी। तो चैट जीपीटी अगर हम टाइप करेंगे तो हम यहाँ पे एक फर्स्ट जो आपके पास देख के आ रहा है, ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉट कॉम, यहाँ से हम इसको ब्राउज करेंगे, इसको सर्च करेंगे। तो इसको सर्च करने से, इसको ओपन करने से देखिए आपका इस तरह से एक पेज आएगा। इस पेज में डिफरेंट आपके पास ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट यहाँ पे पार्टीशन हैं, जैसे रिसर्च के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इसके डेवलपर्स कौन है, इसके सेफ्टी क्या है, कंपनी क्या है, ये आपका यहाँ पे डिफरेंट आएंगे। तो हम इसके होम पेज पे आते हैं चैट जीपीटी के। तो चैट जीपीटी के हम होम पेज पे आते हैं कि चैट जीपीटी है क्या, यहाँ से कुछ सर्च करना है तो भी कर सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनाएंगे चैट जीपीटी पे। तो ये चैट जीपीटी का होम पेज है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि ट्राई चैट जीपीटी, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। तो ट्राई चैट जीपीटी पे आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, या इसमें हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाएंगे हम उसको देखेंगे, फिर हम उसका ट्राई करके बताएंगे आपको कि कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं, चैट जीपीटी को ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आएगा, एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा और एक साइनअप का। अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको साइनअप करना होगा। तो साइनअप करने के लिए साइनअप पे क्लिक करेंगे। तो साइनअप पे क्लिक करने के लिए आपको क्या पूछेगा कि एक ईमेल आईडी आपको देना है। तो कोई आप एक ईमेल आईडी दे दीजिए यहाँ पे, तो ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा। तो जैसे मैं कोई एक ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड पूछ रहा है। तो कोई एक पासवर्ड आप डालेंगे, तो पासवर्ड डालने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, और वेरिफिकेशन मेल के बाद आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हमने अकाउंट बना लिया है, तो चैट जीपीटी को लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके देखते हैं कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने चैट जीपीटी को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह से इसके आंसर होते हैं वो देख सकते हैं। तो जैसे हम पूछते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो कौन है, उनके बारे में पूछते हैं हम। तो जस्ट हम क्या करते हैं, उनका नाम देते हैं। तो नाम लिख के हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा देर ब्राउज करेगा और उनके बारे में कुछ कुछ जो उनके पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे आपको जनरेट करके देगा कि क्या है आपका जो क्वेश्चन है उसके बारे में। यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके देगा, वन बाय वन नोट करके देगा कि वो क्या है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपका जवाब और चाहते हैं तो आप और रीजनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट भी करेंगे तो फिर और भी आपको कुछ जवाब मिल जाएगा। अगर आप ये जवाब ओके है तो ओके है, नहीं तो अगर आप चाहें तो इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। रीजनरेट करेंगे तो फिर से अगेन सेम क्वेश्चन का आंसर दूसरे फॉर्म में आपका एक आएगा। तो सेम क्वेश्चन का आंसर आपके पास डिफरेंट फॉर्म में आपका आएगा कि क्या है क्वेश्चन और आंसर क्या है। तो अगेन हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हम पूछते हैं कि क्या है आईआईटी, तो आईआईटी क्या है हम इसको पूछते हैं चैट जीपीटी में। तो ये आईआईटी के बारे में डिस्क्लोज करेगा कि ये आईआईटी क्या है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आईआईटी के बारे में डिस्क्लोज कर रहा है कि आईआईटी क्या है। आईआईटी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से आप आईआईटी के बारे में आप देख सकते हैं कि ये डिस्क्लोज कर रहा है कितने आईआईटी है। आप चाहते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो आप रीजनरेट कर सकते हैं, तो रीजनरेट करेंगे तो अगेन आईआईटी के बारे में कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो आप देख सकते हैं कि आईआईटी के बारे में कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है, डिस्प्ले हो रहा है।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी में आप एक अकाउंट बना सकते हैं और उसमें आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी में कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसका यूज है, हम डिस्कस करेंगे आगे। नंबर ऑफ आईआईटी से हम पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ आईआईटीज कितने हैं, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या है चैट जीपीटी का, कि करेंटली 23 आईआईटीज है यहाँ पे और एक कंट्री में आपका डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है। एक आपका लिस्ट भी हो सकता है दे दे कि हाँ लिस्ट है ये 23 आईआईटीज का, कि 23 आईआईटीज क्या है, एक पर्टिकुलर रैंकिंग के अनुसार भी आपको दे रहा है। एक सीक्वेंस आपको दिया कि हाँ आईआईटीज क्या है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चैट जीपीटी में कैसे क्वेश्चन आप अकाउंट बना सकते हैं। तो ये हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया कि चैट जीपीटी का क्या है, और बाकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे चैट जीपीटी के आगे की स्लाइड्स पे, आगे की क्लासेस में। थैंक यू सो मच।